वेलकम वंस अगेन दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त पूनम और भाई एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल लर्निंग नेवर एंड्स में। और आप इसे बहुत सारे अपीयरिंग वाले जो स्टूडेंट्स थे ना, वो बड़े परेशान थे कि मैम हम तो फर्स्ट ईयर में हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में हैं बीएड या फिर बीटीसी डीएलएड के, क्या हम लोग टेट देने के लिए एलिजिबल है, इस पर आप अपनी राय दे दो। तो दोस्तों, आप लोगों को बहुत छोटे से शब्दों में मैं समझा देती हूँ कि देखिए, आप लोग बिल्कुल 100% एलिजिबल हैं और ये आदेश किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए नहीं है, ऑल ओवर इंडिया के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये परमिशन दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है कि अब फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स भी जो बीएड में हैं या फिर फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट जो बीटीसी या डीएलएड कर रहे हैं, वो लोग टेट और सीटेट का एग्ज़ाम जो है दे सकते हैं। पहले ऐसे हुआ करता था कि फर्स्ट ईयर जिनका कंप्लीट हो गया बीएड का, या फिर जिन बच्चों का सेकेंड सेमेस्टर जो डीएलएड का या बीटीसी का कंप्लीट हो गया, वही लोग इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए एलिजिबल हुआ करते थे। और उससे पहले तो आपको बिल्कुल फाइनल डिग्री हाथ में चाहिए थी, तब आप इसका फॉर्म भर सकते थे। तो अब ये दोनों कंडीशंस हटके अब आप कभी भी जब आपका मन करे आप टेट का एग्जाम जो है दे सकते हैं, और ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया बात है। देखिए, इस उद्देश्य से आप एग्जाम में बिल्कुल मत बैठिए कि जी बस मुझे तो मतलब मैं ट्राई मार रहा हूं, प्रैक्टिस कर रहा हूं पेपर देने की, ना जी। अब आपके टेट और सीटेट के मार्क्स जो हैं वो भी मेरिट में जुड़ेंगे जब आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे मार्क्स जो है वो लाने की कोशिश करिए। आप अगर फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में देते हैं और बार बार जब जब टेट और सीटेट का एग्ज़ाम देते हैं और आप देते रहते हैं, तो आपकी बेस्ट मार्कशीट जो होगी ना, आप उसे जॉब के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम देते रहिए, तैयारी जो है वो अपनी करनी शुरू कर दीजिए। और साथ ही साथ आपको ये भी बता देती हूँ कि जिन स्टूडेंट्स की बैक आ जाती है, चाहे आपके किसी सेमेस्टर में आई हो, फर्स्ट ईयर में आई हो, वो लोग भी दे सकते हैं। बट हाँ, जॉब के लिए एलिजिबल तभी होंगे जब उनकी डिग्री जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, कोई इशू नहीं है बैक का भी। तो अगर इसके अलावा भी आपके दिमाग में ना कोई भी डाउट रह गया है, तो आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में लिखिए कमेंट्स, अपने सवाल पूछिए, और जवाब तो मैं हमेशा दे ही देती हूँ भाई। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी, आपकी काम की लगी या नहीं लगी, ये भी मुझे ज़रूर बता देना। वीडियो को लाइक कर देना अगर काम की लगी हो, और हाँ, चैनल पर अगर आप पहली बार आ रहे हो ना, तो चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच, आप मेरे चैनल पर आए, आपने मुझे सुना, इतना सारा टाइम दिया, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।